जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार मद निश्चय सिपाही की परीक्षा के लिए एक अलग तरीके से क्विज टेस्ट को लेकर आए हैं। इस क्विज टेस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को रोककर अपने कॉपी में 1 से 35 तक नंबर लिख लेना है। उसके बाद वीडियो में प्रत्येक क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इसी टाइम के अंतराल में आपको क्वेश्चन नंबर के सामने अपना आंसर लिखना है। और इसमें आपको किसी भी तरह का बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना है। टाइम समाप्त होते ही दूसरा क्वेश्चन दिखाया जाएगा और आपको भी टाइम समाप्त होने के बाद दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। और वीडियो के लास्ट में मैं सभी क्वेश्चंस के एक एक कर आंसर बताऊंगा। फिर आप लोग आंसर को चेक करके मिला लेना कि कौन कौन से प्रश्न सही हुए हैं, और जितने भी स्कोर आते हैं बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक हमें कमेंट करके बता देना है। मैं सभी के स्कोर को एक एक करके चेक करूँगा। तो चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के स्पेशल क्विज टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले आप लोग पूरा प्रश्न को ध्यान से सुनिए, फिर आंसर करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। प्रश्न है, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। चलिए आंसर करने के लिए आपको मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। उम्मीद करेंगे आप लोगों ने पहले प्रश्न का आंसर लिख लिया होगा। और देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करना है। चीटिंग करेंगे तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, आप अपने आप को ही ठगेंगे। इसलिए बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आंसर लिखना है। और देखिए, अगर आपके पास OMR सीट है तो और भी बेहतर प्रैक्टिस होगा, इसलिए आप लोग OMR सीट को भी खरीद लें। आइए, दूसरा प्रश्न है, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो उम्मीद करेंगे इसका भी आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा। सेशन के लास्ट में मैं सभी के आंसर को एक एक करके बताऊंगा, आप लोग चेक कर लेना। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो उम्मीद करेंगे इसका भी आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा। चौथा प्रश्न है, किस राजवंश के शासनकाल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। आपको बिल्कुल भी वीडियो को रोकना नहीं है, वीडियो के साथ ही आपको आंसर करते जाना है। टाइम्स अप। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष एड्स दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। और देखिए, अगर आपको इस क्विज टेस्ट में कुछ चेंज करवाना है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी। चलिए आठवां प्रश्न देखते हैं, शहद का मुख्य अवयव कौन है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। चलिए ऑप्शन भी पढ़ देते हैं, 1885, 1902, 1904 या फिर डी 1906। बिल्कुल टाइम के साथ आपको आंसर करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है।
आगे देखिए, संघ एवं राज्यों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, चौथी, तीसरी, दूसरी या पहली। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश, सातवाहन वंश या फिर डी मौर्य वंश। और देखिए, आप सभी ये सभी जो प्रश्न कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट में किया हुआ है। आगे देखिए, गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? बिल्कुल एग्जाम के लिए वीवीआई प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा 13 का। भूमि सुधार संबंधी अधिनियम का संबंध किस अनुसूची से है? सातवीं, आठवीं, नौवीं या फिर डी दसवीं। और देखिए, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इज क्विज सेट में क्वेश्चंस की संख्या 50 तक किया जाएगा, आपको डेली 50 क्वेश्चंस का इसी तरह प्रैक्टिस करना है। आगे देखिए, नींबू रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? 2.2, 2.4, 3.5 या फिर डी 3.8। आपको बिल्कुल टाइम के साथ आंसर करना है, इससे आपका प्रैक्टिस बेहतर होगा और साथ में एग्जाम में आपका टाइम भी बचेगा। आगे देखिए, सिनकोना वृक्ष किस क्षेत्र में मिलते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायती राज, नगरपालिका, दल बदल कानून या फिर डी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों ने इसका भी आंसर लिख लिया होगा। ग्रीनविच रेखा कहाँ से गुजरती है? फ्रांस, जर्मनी, कनाडा या फिर डी यूनाइटेड किंगडम। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। और देखिए, आज ये जो स्पेशल क्विज है, पहला क्विज है, तो हो सकता है आपका इसमें ज़्यादा प्रश्न गलत हो जाए, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। डेली इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए, आपका बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगा। आगे देखिए, पंचायती राज का संबंध किस अनुसूची से है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों ने आंसर किया होगा। लौह तत्व का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है? देखिए, किसी को भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं करना है, अपने कॉपी में आंसर लिखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणीय वेग का इकाई क्या है? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, आपको प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए मैक्सिमम 10 सेकंड के टाइम मिल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ने के लिए 5 और आपको 5 सेकंड सोचने के लिए दे रहे हैं, तो इसी में आपको आंसर देना है। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का अभिनय किसने किया था? चलिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपसभापति या मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फिर डी आयरलैंड। अगला प्रश्न है,
दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार बताया है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल आपको समझ लेना है कि आपका ये एग्जाम हो रहा है और एग्जाम की तरह आपको आंसर देना है, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। आगे देखिए, लिग्नाइट किसका एक प्रकार है? लोहा, कोयला, अवरक या मिट्टी? और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखिए, प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है, आप लोगों ने आंसर लिख लिया होगा। योग दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? बिल्कुल यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर वीडियो को देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा। आगे देखिए, महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ बने थे? आपका टाइम शुरू होता है अब। और देखिए, इस क्लास पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो आपके लिए टेलीग्राम पर एक स्पेशल ग्रुप बनाया जाएगा और जितना भी स्कोर होगा आपको फ़ोटो खींचकर उस ग्रुप में सेंड करना है, फिर मैं उसका नाम अनाउंस करूंगा वीडियो में कि किसका कितना स्कोर आया है। आगे देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं, किस दो मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे? थोड़ा सा टाइम देते इस प्रश्न में, चलिए आंसर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, वायु सेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, सभी को आता है। सभी संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? राज्यसभा, लोकसभा, संसद या राष्ट्रपति? आगे बढ़ते हैं और आखिरी प्रश्न है आज का, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैले हुए वन कौन से हैं? एग्जाम के लिए कतई जहर प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। इस प्रश्न का आंसर किसी का भी गलत नहीं आना चाहिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है और ये क्विज सेट भी खत्म होता है। अब चलिए आपको एक एक करके आंसर बताते हैं। तो चलिए, आप सभी जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर मैच कर लीजिए। पहले प्रश्न का आंसर है जर्मनी और राउरकेला इस्पात कारखाना उड़ीसा में है। दूसरा प्रश्न का आंसर क्या होगा, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना ये किस राज्य में है? तो सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में है, बी ऑप्शन। तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, अमेरिका। चौथे प्रश्न का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, गुप्त वंश। पांचवें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, 1 दिसंबर। छठे प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी। सातवें प्रश्न का आंसर है भारत में पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972, ए ऑप्शन। आठवें प्रश्न का आंसर है शहद का मुख्य अवयव क्या है, फ्रक्टोज शहद का मुख्य अवयव है, बी ऑप्शन। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, 1906 में, डी ऑप्शन। संघ एवं राज्यों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, डी ऑप्शन, पहली अनुसूची में। 11वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 12वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन, 7 वाहन वंश। 13वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन, जहांगीर।
14वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, नौवीं अनुसूची से संबंधित है, भूमि सुधार संबंधी। 15वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन 2.4। 16वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन विषुवतीय क्षेत्र। 17वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन नगर पालिका। 18वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम। 19वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन 11वीं अनुसूची से संबंधित है, पंचायती राज। 20वें प्रश्न का आंसर सभी को पता होता है पालक, ए ऑप्शन। 21वें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन रेडियन पर सेकेंड। 22वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन बेन किंग्सले। 23वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन उपसभापति, किसी राज्य के विधानसभा का सभापति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है तो उपसभापति को। 24वें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। 25वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन गोदावरी। 26वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन जाएगा ए के साथ बाघ। 27वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन कोयला। 28वें प्रश्न का आंसर है डी ऑप्शन 9 जनवरी। 29वें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन 21 जून। 30वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। 31वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 32वें प्रश्न का आंसर है सी ऑप्शन जहांगीर एवं बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे। 34वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन लोकसभा। 35वें प्रश्न का आंसर है ए ऑप्शन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। आप लोगों का जितने भी प्रश्न सही हुए हैं फटाफट से आप लोग स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं सभी के स्कोर को अभी चेक करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।